गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज टेल मी। यस। रिवाइज करके आए हो सभी? ओरल टेस्ट है ना आपका? यस मैम। यस ओके। शो हो रही है आपको? पीडीएफ शो हो रही है? फिजिक्स फोर्स एंड प्रेशर ऐसे लिखा है, पिक्चर बनी है, शो हो रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो पहले टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे थोड़ी। दिलप्रीत कौर बताओ बेटा, व्हाट इज फोर्स? दिलप्रीत कौर, अनम्यूट यूर सेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज फोर्स। अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यस। नवकीरत बताओ बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स के एसआई यूनिट क्या है? नवकीरत प्लीज टेल मी यस और नो। इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन से कि आई डोंट नो मैम, बट अनम्यूट योर सेल्फ। हम बताएं। यस मनपिंदर बताओ बेटा। मैम न्यूटन। न्यूटन वेरी गुड। हरपुनीत टाइप्स ऑफ फोर्स, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स? Contact and non-contact forces. Yes, very good. Jasmine, what is contact force? The forces in which the two interacting objects are in physical contact with each other. Yes. Muskan, what is non-contact force? The force which do not make a physical contact with the body and act through space. Yes, very good. Parit, contact force ki type hai muscular force. What is muscular force? Parit, unmute Ma'am. yourself. Hanji. महक नूर आप बता दो। The force exerted by the muscles of our body is called muscular force. Yes, very good. Rishabh, contact force की बाकी की दो टाइप के नेम बताओ, एक muscular force और कौन कौन सी है? Frictional force and mechanical force. Frictional force and second क्या बोला? Mechanical force. Mechanical force. Mechanical force. Okay, okay. Rupam बताओ बेटा, what is frictional force? Rupam unmute yourself. And tell me what is frictional force? Muskan, आप बता दो। मैम क्या बताना है? Frictional force. Frictional force क्या है? The force that oppose the motion of an object. Okay, very good. Satyavir, batao, what is mechanical force?
क्या मैम? मैकेनिकल फोर्स कौन सी है? द फोर्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन यस इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. यस वेरी गुड. ओके तो अभी आगे रिवाइज कर लेते हैं. तो देखो पीडीएफ शो हो रही है सबको. सबसे पहले हम फोर्स का ही स्टडी किया था कल भी, कि फोर्स क्या होती है. फोर्स क्या है? पुश और पुल है, विच टेंड्स टू चेंज द, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाता है, उसकी स्टेट. स्टेट कैसे? स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट के. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप कर सकते हैं. सेकेंड क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉपिंग पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो हम उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके क्या करवा सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं. फोर्स के काफ़ी सारे इफेक्ट हमने स्टडी किए थे, कि उससे हम किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि डो हो गया, डो से आप रोटी जब बनाते हो तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, उससे उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अगर फुटबॉल हो गई, उसको किक करते हो तो उसकी क्या चेंज हो जाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, साथ के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है. ठीक है, उसी तरह क्रिकेटर जब बॉल को कैच कर लेता है, बाउलर अगर जब क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो वो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन को डाइवर्ट कर देता है. उसको पहले वो उसकी तरफ आ रही थी, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ओपोजिट. उसी तरह जब बाउलर बॉल को कैच कर लेता है तो वो भी क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को स्टॉप कर देता है, उसके मोशन को, उसकी स्टेट को चेंज कर देता है. उसके बाद सेकेंड वाले पेज पे देखो, फोर्स के साथ हम फोर्स की एग्जांपल लिखी है. देखो हम किसी डोर को पुश करके उसको ओपन कर सकते हैं. एक मैन है वो एक ट्रॉली को पुश कर रहा है. एक मैन है वो गोल्फ खेल रहा है, गोल्फ बॉल उसको किक करके उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है. या फिर हम कोई ड्रॉअर खोलते हैं, हम पुल करते हैं, तो ड्रॉअर क्या हो गया, ओपन हो गया. तो पुश पुश हमारे पुल की वजह से एक चाइल्ड है वो खींच रहा है कोई वेट. क्रेन है, क्रेन इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है. क्रेन के ऊपर कुछ मास है यहाँ पे हैंग किया हुआ, ये उसको क्या कर रही है, पुल कर रही है. तो ये भी फोर्स अप्लाई हो रही है. अब कोई बता सकता है ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है या नॉन कॉन्टैक्ट की? कैन एनीवन टेल मी? यस वेरी गुड, बिकॉज सब में क्या है, कॉन्टैक्ट बना हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट पेज देखो, सभी बच्चों के हैंड रेज की ऑप्शन होते हैं. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपने हैंड रेज की ऑप्शन पर हैंड रेज करना है. मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी. देखो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है, दोनों दोबारा से गिवन है. उसके बाद नेक्स्ट ये वाला भी हमने कल किया था, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल है यहाँ पे, कि एक ऑब्जेक्ट है हैवी, उसको अगर हम पुश कर रहे हैं, अगर हम सेम डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा. अगर पहले एक पर्सन पुश कर रहा था, मान लो ओनली F1 कर रहा था, वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट था, बहुत स्लो स्लो स्पीड से मूव कर रहा था. जब F2 थोड़ी फोर्स और अप्लाई कर दी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. उसके ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो उतनी ज्यादा स्पीड से मूव करने लगा. ठीक है, जब हम अगर यहाँ पे हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. फिजिक्स में हमने स्टडी किया था कि अगर सेम डायरेक्शन में दो चीजें मूव कर रही हैं, उनकी फोर्सेस क्या होती हैं, प्लस. कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा. अगर हम ओपोजिट डायरेक्शन लें तो साइन कौन सा बन जाता है, नेगेटिव. एक वाला जो राइट साइड की तरफ जाता है ग्राफ के अकॉर्डिंग साइन लेते हैं उसका प्लस, जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहा है उसका क्या लेते हैं, नेगेटिव. ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हम साइंस लेते हैं.
ग्राफ सभी ने किया है ना मैथ्स में. ग्राफ में क्या होता है, सेंटर में ओरिजिन, ग्राफ से टूवर्ड्स राइट कोई पर्सन चलेगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम उसकी वैल्यू को प्लस के साथ लेते हैं. अगर अपवर्ड मूव करेगा तब भी हम उसकी वैल्यू को प्लस के साथ लेते हैं, लेकिन अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में. अगर ओरिजिन से, ये सेंटर में ओरिजिन है, यहाँ पे टू लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, अगर वो लेफ्ट साइड टर्न करेगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में. तो यहाँ पे देखो दोनों ही ओरिजिन से राइट साइड है, तो इसीलिए दोनों की वैल्यू ही क्या आएगी, प्लस की आएगी. ठीक है, इतना क्लियर है बेटा सबको. अब सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे दो पर्सन है लेकिन दोनों ही उस हैवी ऑब्जेक्ट में ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. ये तो राइट साइड की तरफ लगा रहा है, ओरिजिन टू राइट साइड, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी, प्लस में. लेकिन ये क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, ये उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी. ठीक है, तो इस तरह से अगर सपोज कर लो दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया, सपोज करो इसने फोर लगाया, ये प्लस का फोर लगाएगा तो ये ओपोजिट में लगा रहा है, ऑब्वियसली ये माइनस का फोर लगाएगा. तो अगर टोटल फोर्स देखेंगे, फोर माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर, टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो. और यूनिट क्या है इसके, न्यूटन, जीरो न्यूटन. तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कोई फोर्स लगी ही नहीं, वो तो मूव ही नहीं किया, उसके ऊपर फोर्स तो लगी थी लेकिन मूव नहीं किया. क्यों, बिकॉज यहाँ पे फोर्स जो थी वो कौन सी फोर्स थी, बैलेंस्ड फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हो लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी रेस्ट पोजीशन में ही रहे, फिर भी वो मूव ही ना करे, उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट ही रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है टोटल वो बैलेंस हुए जा रही है. वन फोर्स सेकंड फोर्स को क्या कर रही है, कैंसिल किए जा रही है, ओपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा, वो रेस्ट पोजीशन में ही रह रहा है. ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड. वो वाली फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर यहीं पे सपोज कर लो इसी क्वेश्चन में सेकंड वाले बॉक्स में, कि यहीं पे अगर ऐसा होता कि ये वाला एफ टू ने ज्यादा फोर्स लगा दी थोड़ी एज कम्पेयर टू एफ वन, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता, तो ऑब्जेक्ट इस वाली डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता, बिकॉज इसकी फोर्स क्या थी, ज्यादा थी. अगर रेड वाली फोर्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ब्लू वन पर्सन, तो ऑब्जेक्ट की मूव करने की डायरेक्शन ये हो जाती, लेकिन फिर ये फोर्स बैलेंस्ड ना रहती, फिर ये फोर्स कौन सी बन जाती, अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, क्लियर है बेटा इतना सबको. प्लीज टेल मी. हाँ जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट. yes, यहाँ पे हाँ यही चीज एक्सप्लेन की हुई है रिटर्न में जो मैंने एक्सप्लेन किया. उसके बाद नेक्स्ट है के फोर्स के इफेक्ट क्या है. फर्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स क्या कर सकती है, मोशन की स्टेट को चेंज कर सकती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है, एक बॉल है, एक पर्सन ने उसको किक करके मोशन में ला दिया और सेकंड पर्सन ने उसको कैच करके स्टॉप कर दिया, तो हमने उसकी स्टेट ऑफ मोशन को किस में चेंज कर दिया, रेस्ट में. जैसे यहाँ पे डायग्राम देख लो, डायग्राम में क्या शो किया है, एक ये बाउलर है, बाउलर ने बॉल दी, बाउल की बॉल, और ये क्रिकेटर है, इसके बैट्समैन उसको हिट करने से पहले ही ये बाउलर जो पीछे खड़ा है पर्सन, उसने उसको कैच कर लिया, उसने बॉल के मोशन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया और उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, इस तरह से. और सेकंड इफेक्ट क्या है, सेकंड देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो एग्जाम्पल कितनी अच्छी दी है पिक्चर, कि एक डो हमने बनाया पहले डो से, अब उसके ऊपर जैसे ही घुमाया ये हमारा, तो उसकी क्या बन गई, रोटी बन गई. तो क्या कर दिया हमने, डो की शेप को चेंज कर दिया. अगर आप इस रोटी को उठाकर अपने दोनों हाथों से इस तरह से खींच दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. फिर हम दोबारा से हमने क्या किया, उसको पुल किया, फोर्स अप्लाई की, इसीलिए उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई. इसी तरह अगर इलास्टिक को आप बहुत जोर से खींचते हो
तो वो एक्सपैंड हो जाती है और अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है, और उसकी शेप क्या हो जाती है चेंज, किस वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट्स हैं कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की क्या होती है, स्पीड चेंज हो जाती है, और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जैसे सपोज कर लो जैसे बैट, यही पे एग्जांपल लिखी है, बैट्समैन हिटिंग अ बॉल वेरी हार्ड। बैट्समैन ने पहले बॉल थोड़ी स्लो स्पीड पे आ रही थी, उसके बाद उसने हिट कर दिया बहुत जोर से, तो बॉल की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेकंड क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ भी बैट्समैन वाली एग्जांपल है, पहले जो बॉल की डायरेक्शन थी वो बैट्समैन की तरफ थी, जब बैट्समैन ने बैट के साथ उसको किक किया तो उसकी डायरेक्शन बाउलर की तरफ हो गई, तो डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज, कैसे, फोर्स की वजह से। थर्ड क्या है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकती है, कि इलास्टिक को जब हम हार्डली पुल करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है, उसकी शेप क्या है, चेंज हो गई। नेक्स्ट क्या है, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम रेस्ट टू अ स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि बाउलर, पहले बॉल रेस्ट पे पड़ी होती है, बाउलर उसे पिक करता है, उठाता है और बाउल कर देता है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को किसने चेंज कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन में। यहाँ तक सबका हो गया रिवाइज, क्लियर है बेटा? यस मैम। कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को? नो मैम। उसके बाद आगे देखो, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की पिक्चर देखो, इनको देखो। फर्स्ट मस्कुलर फोर्स की एग्जांपल है ये वाली, ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है मसल्स के साथ, और अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, या कोई मैन कार को पुश कर रहा है, या बुल कार्ट को पुल कर रहा है, तो वो सब क्या है, बुल अपने मसल्स यूज कर रहा है वेट लिफ्टिंग में, मैन अपने मसल यूज कर रहा है साइकिलिंग में भी, पर्सन अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को यूज करता है। तो ऐसी फोर्स क्या है, ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे दो और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट है, तो इसीलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। और जो मसल्स की वजह से फोर्स होती है उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सेकेंड वाला देखो, फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जाम्पल गिवन है। ये देखो, बोट जो है वाटर में चल रही है, ठीक है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है, पैडलिंग की वजह से, और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन भी है, ठीक है। तो देखो, उसी तरह अगर कोई भी ग्राउंड के ऊपर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं, थोड़ा टाइम वो एयर में रहती है, उसके बाद वो ग्राउंड के ऊपर रोल करने लगती है, और ग्राउंड के साथ रगड़ रगड़ के रब होकर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से, ओपोजिंग फोर्स कौन एग्जर्ट करता है बॉल के ऊपर, ग्राउंड। उसी तरह बोट जो है, जब तक हम पैडलिंग कर रहे हैं, यहाँ से बोट उस वाटर के अंदर मूव कर रही है, लेकिन स्टॉप कब होगी, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन इट। तो वाटर भी क्या करेगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जैसे ही हम पैडलिंग करना बंद कर देंगे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन जो है, हमेशा ये है ही अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है ही क्या, अपोजिंग फोर्स। इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग ही ये है कि ओपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। और ये भी किसकी वजह से होती है, जब दो चीजों का आपस में क्या हो, कॉन्टेक्ट हो, टू और मोर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, म्यूट करो सभी खुद को। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। उसके बाद देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यस मैम। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखो, ये दो मैग्नेट हैं, मैग्नेटिक, वहां पे दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट क्या कर रही है, ये स्मॉल आयरन के पीसेस को अपनी तरफ, जब कोई भी आयरन फाइलिंग्स हैं, मेटल ऑब्जेक्ट है, उनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर या चार्ज्ड बॉडी के ऊपर क्या करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है। जैसे कि इसमें कॉम वाली एग्जाम्पल है, ये देखो कि कॉम को हमने अपने हेयर में रब किया, रब करने से उसके ऊपर क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल चार्ज प्रोड्यूस हो गया,
तो अब हमने ये स्मॉल स्मॉल पेपर ले लिए, वो पेपर को क्या करने लगा, बिना कॉन्टैक्ट बनाए अट्रैक्ट करने लगा अपनी तरफ छोटे छोटे पीसेस को। तो क्या पेपर क्या था हमारे पास, पेपर तो अनचार्ज बॉडी है लेकिन फॉर्म को हमने चार्ज बना लिया, वो चार्ज बॉडी है। दोनों के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी इंट्रैक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कि अर्थ की जैसे हम खुद अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। उसी तरह अगर हम कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर दें तो वो अपने आप ग्राउंड के ऊपर फॉल हो जाएगी, क्यों, बिकॉज अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। और अगर हम वाटर टैप चलाते हैं देखो तो वाटर हमेशा टैप वाटर है जो रनिंग वाटर है वो डाउनवर्ड ही फ्लो करता है, क्यों, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की एग्जाम्पल है। क्लियर है बेटा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट प्रॉपरली? यस मैम। उसके बाद हमने प्रेशर भी पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। के प्रेशर क्या है कि जैसे जैसे हमें कोई भी हैमर के साथ हमें वॉल में नेल लगाना है तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या है, ये ही प्रेशर है कि हम कुछ स्मॉल एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि एक मिनट बस, प्रेशर के लिए मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको कि जिस तरह से प्रेशर का मतलब क्या है हमारे पास। प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, कि कितने का अमाउंट ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कितने के एरिया के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि ट्रक्स हैं, ट्रक्स के जो टायर होते हैं, है ना, ट्रक्स टायर्स वो बहुत ज्यादा वाइड बनाए जाते हैं, क्यों, प्रेशर की वजह से। यहाँ पे इस रिलेशन से हमें क्या पता चला है, फर्स्ट वाले रिलेशन से, कि एरिया और प्रेशर आपस में इनवर्स रिलेशन में है, दोनों का उल्टा रिलेशन है। लेकिन फोर्स एंड प्रेशर का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। अगर हम फ्लैट शू पहनेंगे और फिर वॉक करेंगे, देखो हमारी बॉडी से शू के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन शू क्या है, फ्लैट है, मतलब उनका एरिया क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम इजीली वॉक कर सकते हैं। प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जितनी प्रेशर एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू, उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम पेंसिल हील पहन लें बिल्कुल शार्प, तो वहां पे उसका तो एरिया बहुत स्मॉल है, एरिया की वैल्यू स्मॉल है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, फिर हमें वॉक करने में डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज हम जैसे जैसे अर्थ के ऊपर वॉक कर रहे हैं तो प्रेशर हैवी हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो प्रेशर की बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है, हमारे बैग के जो स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं जिनसे हम शोल्डर में पहनते हैं, अगर उनकी जो विड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है, इतने चौड़े हैं वो, है ना, वो क्यों है, उनकी विड्थ ज्यादा ताकि हमारे शोल्डर को ज्यादा प्रेशर ना फील हो, हमें वेट कैरी करना है, उनका एरिया बनाया गया है ज्यादा ताकि प्रेशर क्या हो, कम हो। उसी तरह ट्रक के जो टायर होते हैं, जितना हैवी बड़ा ट्रक है, जितना ट्रक हैवी लोड ले सकता है, उसके टायर्स जो होंगे उतने ही ज्यादा वाइड होंगे, क्यों, उनका एरिया ज्यादा होगा ताकि प्रेशर की वैल्यू क्या हो, कम हो, वो रोड के ऊपर स्मूथली वॉक कर पाए, अगर स्मूथली मूव कर पाए, सॉरी वॉक नहीं, स्मूथली मूव कर पाए। अगर टायर वाइड ना हो तो वो हैवी लोड कैरी ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। प्रेशर का मतलब है कि
टोटल किसी ऑब्जेक्ट के कितने एरिया के ऊपर टोटल कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है बेटा प्रेशर सबको? मैम यस मैम। उसके बाद अगर हमें प्रेशर के यूनिट निकालने हो, अब प्रेशर हमें पता है क्या होता है, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से, एरिया को ए से, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर के यूनिट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स के यूनिट और एरिया के यूनिट, फोर्स यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो क्या, वैसे तो ये ब्लेज पास्कल नेम का साइंटिस्ट था, उसके नेम पर इसके यूनिट है एसआई यूनिट पास्कल, लेकिन हम पास्कल को भी फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि पास्कल क्या होता है, फोर्स के एसआई यूनिट है न्यूटन और एरिया के एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें बान पास्कल की डेफिनेशन लिखनी हो, ऐसे भी बनता है क्वेश्चन कि प्रेशर के ऐसे यूनिट को डिफाइन करो, मतलब बोलेंगे कि बान पास्कल को डिफाइन करो। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बान मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर बान न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास बान पास्कल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के बान मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर बान न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करेंगे, देन प्रेशर इज सेड टू बी बान पास्कल। क्लियर है इतना बेटा सबको? यस मैम। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड क्या बोलते हैं उसको, जो प्रेशर लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट करती हैं, बान नेम क्या गिवन है उसको, बताओ मुझे। ड्रैग, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज ड्रैग, उसको हम ड्रैग, गैसेस वाले को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, फ्लूइड्स के द्वारा, लिक्विड्स के द्वारा जो एक्सर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अब लिक्विड क्या है, हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी कि लिक्विड तो अगर किसी कंटेनर में है तो वो उसकी सभी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हमने शावर को, तो सभी डायरेक्शन में आ रहा है वाटर जो है, सभी डायरेक्शन में आ रहा है, जो उसका प्रेशर है ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है, उसी तरह इसमें भी, फाउंटेन में भी या फिर बाथ शावर में, ठीक है। वाटर क्या है, स्मॉल स्मॉल टाइनी, बिल्कुल टाइनी होल्स होते हैं जिनसे वाटर आता है, पाइप्स और टैप्स से आता है पहले, उसके बाद जो बाथ शावर है और फाउंटेन है उनमें, उनके टाइनी होल्स के थ्रू, तो वो सभी डायरेक्शन में होता है। तो लिक्विड क्या है, किसी भी कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड है उससे सभी डायरेक्शन में लिक्विड का जो प्रेशर है वो आता है, एक्सर्ट होता है। और उसी तरह गैसेस भी सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अगर हम एक बैलून है जो फुली इन्फ्लेटेड है, हमने उसमें पूरी एयर फिल कर ली उसके, लेकिन हमने इतनी फिल की कि बैलून ब्रेक ना हो जाए, अगर आप क्या करो, अगर उसमें आप छोटा सा टाइनी होल कर दोगे तो वो साथ के साथ उससे सारी एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो एयर भी क्या करती है, जब हम उसमें इन्फ्लेट कर रहे होते हैं तो एयर भी पूरी सभी डायरेक्शंस में जा रही होती है, इसीलिए वो फुली इन्फ्लेट होता है ना। तो एयर भी प्रेशर सभी डायरेक्शंस में, गैसेस भी जो हैं ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, उसी तरह एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, हमारे पूरे ऑल अराउंड अस क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये हमने पूरा डिटेल में किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कल मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगी, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पूरे डिटेल में करेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है बेटा? ओके मैम। अभी सभी को समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, तो अटेंडेंस लगवा दो मुझे। नवकीरत, नवकीरत आया था अभी चला गया। दिलप्रीत कौर,
Present ma'am. Harpuneet. Present ma'am. Manpinder Kaur. Present ma'am. उसके बाद परनीत कौर. प्रेजेंट मैम. मुस्कान. मुस्कान. गोविंद शाही. प्रेजेंट मैम. नूरप्रीत. नूरप्रीत. ऋषभ. प्रेजेंट मैम. परनीत हो गई. उसके बाद जपलीन कौर. प्रेजेंट मैम. मनजोत कौर. प्रेजेंट मैम. रूपम. जसमीत सिद्धू. ये सो रहे हैं बच्चे जो बोल नहीं रहे. प्रेजेंट मैम. सत्यावीर. प्रेजेंट मैम. ओके, कोई और बच्चा है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? मेरी नहीं लगी मैम. नेम बोलो बेटा. महक नूर. महक नूर. और कोई? नूरप्रीत मैम. नूरप्रीत की हो गई बेटा. हो गई बेटा आपकी. ओके मैम. ठीक है. ओके बेटा, रिवाइज करना, कल को प्रिपेयर रहना, आपका अच्छे से होगा. ओरल टेस्ट फिर हम परसों करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक रिवाइज. ठीक है? ओके मैम. और बुक से रिवाइज करना है प्रॉपरली. ओके मैम. ओके मैम. ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ.